नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी वर्मा टावर नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा, और मोबाइल नंबर है 94-15-20-77-28। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष स्वजानंद राय, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ चेयरमैन पद के प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिला समन्वयक योगेंद्र राय ने गरुण होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ क्षेत्र के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर आयोजित प्रेसवार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष स्वजानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक जायसवाल दीनू को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी के रूप में उतारा है और वार्डों में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अपना संकल्प पत्र करती है और उस संकल्प पत्र में दिए गए वादों को पूरा करती है। आज हमने नगर निकाय चुनाव 2023 में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू उठाकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, लेकिन आजमगढ़ में पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में आजमगढ़ स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे रहा है। आजमगढ़ की जनता परेशान रही है। हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने लगातार आवाज उठाने का काम किया, लेकिन हमारा चेयरमैन नहीं था, हमारा नगर पालिका परिषद का बोर्ड नहीं था, इसलिए हम केवल आवाज उठा सके, काम नहीं करा पाए। ऐसी तमाम बातें कही, सुनिए। और हमने सभी वार्डों में भी सभासद के लिए आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा होते हैं वो स्वयं अपना संकल्प पत्र जारी करते हैं और नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका स्तर पर आज हमने संकल्प पत्र जारी किया है और उसके माध्यम से आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के सभी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको साथ होगा और हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे अतिरिक्त प्रत्याशी और सभी सभासदों का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हमारी सरकार, आप जानते हैं कि मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वयं अपने हाथ में झाड़ू उठाकर के स्वच्छता अभियान चलाया, उसी के अभियान के तहत आप लोगों ने देखा होगा कि आजमगढ़ में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर स्वच्छता अभियान के लिए प्रयत्नशील है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर आजमगढ़ की जनता ने सही आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से जो भारत स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चल रहा और विशेष तौर पर आजमगढ़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारे जो वर्तमान चेयरमैन हैं इनके पूरे कार्यकाल में पूरा आजमगढ़ स्वच्छता के मामले में सबसे पीछे रहा है क्योंकि समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे पार्टी के नेता इसलिए आवाज़ उठाते रहे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर हमारा चेयरमैन नहीं था, हमारा नगर पालिका परिषद का बोर्ड नहीं था, इसलिए हम केवल आवाज़ उठा सकते और आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने तमाम ऐसी चीज़ों का उल्लेख किया है जैसे आजमगढ़ में जो हमारी सकरी गलियां हैं, गलियों के बीच में नालियां हैं, नालियां तो बनी लेकिन नालियां अपने आप ध्वस्त हो गई, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ बहुत कथित होगा तो अगर सकरी गलियां भी हैं उसमें नाली भी बनेगी और नाली के ऊपर ढक्कन भी बनेगा, इसलिए कि जो उमस और मच्छर भी कहा जाता है ना, उमस और माफिया, उमस और माफिया दोनों को समाप्त करने का हमारे उत्तर प्रदेश के शासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया है, उमस के लिए संकल्प लिया है हमारी खुली नालियों पर ढक्कन हो और माफिया के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है वो बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं कि बुलडोजर चलता है तो माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके बाहर चला गया। ऐसे आजमगढ़ के समुचित विकास के लिए हमने एक विकास का खाका खींचा है, उस खाका